पिछले 5 सालों में ये दिमाग में क्यों नहीं आया? सर आया था, बार बार जब उठते हैं तभी ये मुद्दा क्यों लाते हैं जनता के बीच, शिक्षा और स्वास्थ्य? सर जो पहले कुछ शिक्षकों की कमी थी तो हमने शिक्षक तो सरकार देगी जी, तो यहाँ पर हम लोग आग्रह किया भी साहब से कि मुखिया जी भी अपना परसेंटेज लिए हैं 30% 10% धरातल पर उतारने के लिए। जी जी, और जय तो अलग लिया है, सचिव अलग लिया है, ऐसा सही है क्या? सर ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, अब लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं तो बोलने के। जी मैं मुखिया अनिल गोंग ग्राम पंचायत राज बलाम प्रखंड दरौली मुखिया पद से। जी हाँ सर, पहली बार है। जी नहीं, अभी वर्तमान में आप थे क्या? जी सर थे पिछले 5 साल। जी जी सर, सर जो भी सरकार की योजनाएं थे उसको हम मतलब अपने समझ से जितना तक हो सका मैं प्रयास करके धरातल को उतारा हूँ। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था मुखिया मुख्यमंत्री का? सर सबसे पहले था कि 7 निश्चय योजना। तो सर 7 निश्चय योजना में जल नल गले नले। 7 निश्चय योजना में ड्रीम प्रोजेक्ट कौन था उनका, नीतीश कुमार? तो सबसे पहले तो सर हम लोग यहाँ जल नल का ही प्राथमिकता दिए हुए हैं सर, सरकार जी अच्छा से धरातल पर उतारे हैं पूरा 100%। सर जितना हो सका है तो किए हैं सर। जी सर, इसमें ऐसे भी सुनने में आता है वार्ड बताते हैं, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि मुखिया जी भी अपना परसेंटेज लिए हैं 30% 10% धरातल पर उतारने के लिए। जी जी, और जय तो अलग लिया है, सचिव अलग लिया है, ऐसा सही है क्या? सर ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, अब लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं तो बोलने के लिए मुँह कौन आदमी रख सकता है, और लोग बदनाम करते हैं कि मुखिया जी लिए हैं, जय साहब लिए हैं या कोई अफसर लिए हैं, लेकिन ऐसा तो हम नहीं जान रहे हैं, हमारे ऐसा सर हुआ नहीं है। क्या मुद्दा है वोट के लिए? अब सर इस टाइम में हम यही मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर सब विशेष ध्यान देना है। जी सर, और पिछले 5 सालों में क्या था नहीं? सर पिछले 5 सालों में था कि हर एक गांव में हमको रोड का काम फट प्राथमिकता था, कि हर एक गांव में, जी हर एक गांव में रोड बनवाना है, तो सर हमारे यहाँ जितना हो सका है हर एक गांव में काम हुआ है रोड का फट प्राथमिकता, हम यही लेकर चले थे, लेकिन अभी तो ये टारगेट है कि गली गली के साथ साथ शिक्षा पे और स्वास्थ्य में थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। क्या कमी है शिक्षा स्वास्थ्य? कुछ सर मतलब विद्यालय का भी आवश्यकता है, कुछ टीचर की भी आवश्यकता है बच्चों को। पिछले 5 सालों में क्यों नहीं है? 5 साल जी जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो 5 साल बड़ा हो गया होगा, नीचे का जो क्लास है वो तो खत्म हो गया उसका, पिछले 5 सालों में ये दिमाग में क्यों नहीं आया? सर आया था, बार बार जब उठते हैं तभी ये मुद्दा क्यों लाते हैं जनता के बीच, शिक्षा और स्वास्थ्य? सर जो पहले कुछ शिक्षकों की कमी थी तो हमने शिक्षक तो सरकार देगी जी, तो यहाँ पर हम लोग आग्रह किया भी साहब से तो 2 शिक्षक को उन्होंने प्रोवाइड करवाया, लेकिन समस्या ये है कि एक विद्यालय की भी जरूरत है, तो सर हमने चिट्ठी बढ़ाया हुआ है और इस बार भी आते हैं तो थोड़ा सा आग्रह अफसरों से करेंगे कि एक विद्यालय हमारे यहाँ मिश्रौली है वहाँ खुल जाए। आपके पंचायत में कितना विद्यालय है? 7 राजकीय मध्य, राजकीय कितना है मध्य? सर राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक बलाम, राजकीय मध्य विद्यालय बलाम हुआ सर, नेतवार में हुआ, उसके बाद गणपलिया में हुआ, और प्राथमिक विद्यालय है सर पिपरहिया में, ये डोभिया में, राठौगंज। सब में बच्चे पढ़ने जाते? जी सर, सर इस समय तो सरकारी स्कूल ऐसा हो गया है कि रजिस्टर में बस बच्चों का नाम चढ़ता है, बच्चे क्लास में अटेंडेंस उनका नहीं रहता है। सर कोरोना की वजह से तो कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन अभी तो बच्चे लोग जा रहे हैं, अभी तो ऐसा नहीं है, वो जाते हैं सर। और सरकार भेजती है बच्चों के लिए सरकार स्कूल में, वो मिलता है बच्चों को? कोरोना में तो सर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो भी टीचर लोग हैं सरकार के यहाँ से जो भी आता है तो वो लोग अभी तो सर दे रहे हैं। कोरोना में आप क्या किए थे लोगों को? कोरोना में सर जो सरकार के यहाँ से भी आया था, ये मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, साबुन हुआ, उसको हमने वितरण भी करवाया। एक आदमी पर कितना पैसा खर्च करना था सरकार के तरफ आए? तो सर उसमें तो 100 रुपया खर्च करना था, तो सर उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च किए हैं अपने तरफ से भी लगा करके। एक आदमी को आप क्या दिए? सर मास्क दिए, चार मास्क था, उसके बाद फिर जो बाद में हुआ उसमें 6 मास्क देना था। पहली बार में बताइए, 4 मास्क दिए, साबुन कितना दिए? साबुन भी सब 4-4 हम दिए हैं, किसी को 4 दिए हैं और थोड़ा सा जो गरीब परिवार है उसको 8 भी दिए हैं। मास्क 5 रुपए वाला था सरकारी? हरा वाला जो सरकार का रेट था, तो सर वो जिले से आया था, हम लोग खरीदे नहीं थे अपने से। वहाँ नहीं, सरकार नीतीश कुमार का नियम था कि कोई भी अपने नजदीकी दुकान से खरीद सकता है, तो सर हम लोग बात किए ना तो वो सर ही भेज दिए थे, डिप्यारो सर थे। वही हरा वाला था, पतला वाला सरकारी वाला? नहीं सर, सरकारी वो ये था, खादी का था जी, हम लोग यहाँ खादी का नहीं मिलता है ना, तो वहाँ से जिला से सब लोग खादी वाला खरीद दिए, खादी वाला मंगाए थे जी। 20 रुपए का मास्क देना था? जी जी। उसके बाद साबुन कितने का देना था? साबुन सर 10 रुपए का दिए थे, तो सर उसमें यह है कि किसी को 4 दिया गया और जो सर मतलब एक आदमी पर आप 100 रुपया खर्च कर देते? जी जी सर। इतने पंचायतों में नहीं हुआ था ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो हमारे हुआ है, पता भी कर सकते हैं।
सौ से भी ज्यादा आदमी के ऊपर खर्च हो गया। अच्छा, सरकार का पैसा ही जनता के पास या काम पहुंचाते हैं या अपने तरफ से भी कुछ मदद जनता के लिए करते हैं? जी सर, सर देखा जाता है कि जिसके लिए जो एकदम मतलब कमजोर तबका है तो उसको अपने तरफ से थोड़ा सा प्रयास करके जितना हो सकता है आदमी कर देता है। ऐसा किसी गरीब का मदद किए हैं आप जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ सर। इस समय वो रोजगार कुछ ऐसा छोटा मोटा आप दे दिए उनके लिए? जी जी सर, हम लोग रोजगार भी दिए हैं और ऑलरेडी सर जो मैंने कभी टूटी गई पैसा आता है तो सर सरकार अभी पैसा भी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जो उस स्थिति में कमजोर तबका के लोग एक्सपायर कर जाते हैं तो हम अपने पास से भी मदद करते हैं सर। चलिए, धन्यवाद सर आपको।